ऐसे ही वैज्ञानिकों में से एक हैं हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद ये व्यक्ति, परमाणु युग के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन। आधुनिक दौर के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का वही महत्व है जो रेनेसां में गैलीलियो का था, इसलिए मैं उन दोनों को बहुत करीब रखता हूँ। शायद आइंस्टाइन की जगह उनसे भी आगे है। वे 9 वर्ष की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। वे एक साधारण विद्यार्थी थे और उन्होंने हाई स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था। 26 साल की उम्र तक आइंस्टाइन ने अपनी सबसे कमाल की थ्योरी सापेक्षता के सिद्धांत को छपवा दिया था। सेपरेट सेपरेट फ्यूजन। आइंस्टाइन मुझे हमेशा आकर्षित करते हैं। मैं आइंस्टाइन की जीभ निकली तस्वीर को पसंद करता हूँ। वो बेहद सीधे साधे और अनौपचारिक किस्म के व्यक्ति थे। अगर वो महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे तो ये कहने में कोई शक नहीं है कि वो अब तक के 5 सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जा सकते हैं। ई का मतलब है एनर्जी, एम का मतलब है मास, और सी स्क्वेयर्ड का मतलब है प्रकाश की गति गुणा प्रकाश की गति। सी स्क्वेयर्ड एक बहुत बड़ी संख्या है, तो अगर इसकी गुणा बहुत छोटे मास से भी कर दी जाए तो इससे काफी ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी। 1905 में आइंस्टाइन ने प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों पर अपने 3 अहम पेपर्स प्रकाशित कराए। इसकी प्रमुख बात थी उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत, जिसने समय और काल की नई परिभाषा को जन्म दिया। आइंस्टाइन ने ही बताया था कि क्या आप जानते हैं, अगर आप तेज रफ्तार से सफर करें तो समय की रफ्तार धीमी हो जाती है और मास बढ़ जाता है। अगर आप काल में पीछे जाएं और फिर वापस लौटें तो आप अपनी जुड़वा बहन से ज्यादा जवान नजर आएंगे। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो किसी के लिए कोई मतलब नहीं हुआ, मगर इस बात को समझने के लिए आपको अलग तरह की सोच का सहारा लेना पड़ेगा। आइंस्टाइन की थ्योरीज किसी को समझ आए या नहीं, मगर उनका विस्तार कमाल का था। उन्होंने एटम की अपार संभावनाओं को उजागर किया, सृजनात्मकता के लिए भी और संपूर्ण विनाश के लिए भी। आइंस्टाइन काफी समय से शांति के पक्षधर थे। उन्हें अपनी खोज को लेकर आशंका थी। वे अपने देश में एक नए तानाशाह के उभरने से चिंतित भी थे। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। आइंस्टाइन 1933 में जर्मनी को छोड़ अमेरिका चले गए थे। नाज़ियों ने उन वैज्ञानिकों के एक समूह को इकट्ठा किया जिन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी की नुक्ताचीनी की थी, और इसे नाम दिया जियो साइंस। कहते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मैं गलत होता तो एक प्रोफेसर भी काफी होता। 1939 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लिखे एक पत्र में आइंस्टाइन ने गुजारिश की कि वे चौकस रहें और अगर जरूरत पड़े तो एटम बम के मामले में जर्मनी को पछाड़ने के लिए झटपट कार्रवाई करें। तब रूजवेल्ट ने परमाणु हथियार बनाने के लिए एक टीम गठित की जिसमें आइंस्टाइन नहीं थे। उन्हें बम बनाने के काम में शामिल नहीं किया गया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन्हें हिरोशिमा हादसे की खबर मिली तो वो बोले, ओए वे, यानी ओ माय गॉड। वो बुरी तरह हिल गए थे। परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। आइंस्टाइन को चिंता हो गई कि न जाने अब ये दौड़ कहां तक पहुंचेगी। ये बड़ी अजीब बात थी। वो जानते थे कि ये बोतल में बंद जिन्न था। पिछले 50 साल से हम जिस आतंक के साए में जी रहे हैं, ये उसी की अभिव्यक्ति है। हम आज भी इस बात से डरे हुए हैं कि किसके पास परमाणु बम है। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में आइंस्टाइन ने अंतरराष्ट्रीय शांति और यहूदियों के देश के निर्माण के लिए काम किया। उन्हें तो 1952 में इसराइल का राष्ट्रपति पद भी देने का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया। फिर भी प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड की सत्ता सौंप दी। Which lasted 1400 years. Newton also made a universe which has lasted 300 years. Einstein has made a universe, and I can't tell you how long that will last.